रियासत आपसे मरने के लिए कहती है तो आपको मर जाना चाहिए, अगर वो जीने का कहे तो जीना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा तुम। मुझे बेहद अफसोस है। वो कैसे? बदकिस्मती से इस हादसे में हमारे सारे साथी चले गए। ये रियासत और ये हुकूमत उन सब की शुक्रगुजार है। अल्लाह ताला आप सभी को सब्र अता फरमाए। बस यही, आपको हम सभी से बस यही कहना है? मैं तफसील नहीं बता सकता। आपके शौहर ओज़ाया आज सुबह तैयारा हादसे में शहीद हो गए। मुझे अफसोस है लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सर, मेरे शौहर मर गए, क्या ये मेरा हक नहीं है तफसीलात जानने का? वो कहाँ जा रहे थे, मुझे कुछ मालूम क्यों नहीं है? आपको मालूम भी नहीं होना चाहिए था। यकीन कीजिए मैं आपके दर्द को महसूस कर सकता हूं, लेकिन मजीद कुछ नहीं है कहने को। प्लीज मुझसे कोई और सवाल मत पूछिएगा। मैं हुल्की की माँ हूं। मेरे शौहर इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उनको दिल का दौरा पड़ा है। ये खबर सुनते ही उनका दिल रुक गया। आईसीयू में है वो। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अफसोस किसके लिए करूं मैं, अपने शौहर के लिए या बेटे के लिए? ऐसा लगता है कि मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। तुर्कान साहिबा, आपका बेटा शहीद हुआ है इस मुल्क के लिए। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। हम आपके शौहर का ख्याल रखेंगे, हम वो सब करेंगे जिसकी जरूरत होगी। ये रियासत हर तरह से आपके साथ रहेगी, आप परेशान मत हो। अब आप हमारी जिम्मेदारी, इन सब का ख्याल रखा जाए। जैसा आप कहें सर। तो मेरे पास मेरे पापा नहीं। आज के बाद से मैं तुम्हारा बाबा हूं, समझ गए? अब इजाजत दीजिएगा। सर, अपनी बेटी से क्या कहूंगा मैं, उसे कैसे बताऊंगा ये सब? कहना उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी और वो अपने मुल्क के लिए शहीद हो गई। वो ये कैसे समझेगी, अभी तो 7 साल की है। वक्त आने पर समझ जाएगी। वो समझ जाएगी कि उसकी मां की कुर्बानी इस वतन के लिए कितनी अनमोल है। शदीद अफसोस है, मैं वाकई बहुत दुखी हूं क्योंकि सहरा मेरी इंतहाई करीबी साथी थी। बहुत अफसोस है मुझे। हुल्की के वालिद का बहुत ख्याल रखना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जरूरत पड़े तो दूसरे हॉस्पिटल भिजवा दो, चाहे कुछ भी करना पड़े, समझ गए? जी समझ गया सर। उस हमले की मजीद इत्तला आई कोई? हमारे पास एयरपोर्ट के इलाके की तमाम सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन उन्हें देखने में कई घंटे बल्कि दिन भी लग सकते हैं। एक एक सेकंड की रिकॉर्डिंग चेक कीजिए। चेयरिन की कोई खबर? 24 घंटे उसकी निगरानी जारी है, हमने उसके लिए 6 टीमें मुख्तस की हैं। हर पल की खबर मिलनी चाहिए मुझे। जी ठीक है सर।